शो में मैं जिसका नाम लेता था वो बाहर होता था। मैं तुम्हारे हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाशदीप 2.0। तो जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नया, चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करना ना भूले। दरअसल आज मैं बात करने वाला हूँ अरमान मलिक के बारे में। अरमान मलिक की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें वो बिग बॉस के राज खोलते नजर आ रहे। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे उस वीडियो पर, आइए एक बार इस वीडियो पर नजर डालते हैं। हर जगह अरमान का थंबनेल, तो भाई अपने दम पे भी तो कुछ कर लो। अंदर भी अरमान चाहिए था तुम्हें, बाहर भी अरमान चाहिए। 9 बजे मैं सेट पे बुलाया और रात के 2 बज गए। हमें हवाबाजी करने का शौक नहीं है, उल्टा सीधा बोला, पायल को बोला, बच्चों को बोला। शो में मैं जिसका नाम लेता था वो बाहर होता था। मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर एहसान नहीं करे। मेरे कोई एग्रीमेंट में नहीं लिखा कि मुझे झूठ बोलना है। देखो भाई, बिग बॉस का जो शो है वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। आपको जिस दिन अंदर घुसा दिया जाता है ना, जो आवाजें आप सुनते हो, बिग बॉस ये चाहते हैं, बिग बॉस ये चाहते हैं, वो बिल्कुल रियल होता है। उसके बाद 24 घंटे आपने लाइव देख ही लिया होगा। तो भाई अगर बात करें तो देखो, टास्क स्क्रिप्टेड होते हैं। वो बाहर से अब भेजेंगे ना टास्क कि तुम्हें ये करना है, और वो भी एक कागज में लिखे होते, चिट्ठी में लिखे होते हैं। उसके बाद अपने आप सॉल्व करना। उसके बाद आपको बिग बॉस ये नहीं बताएगा कि तू ये करेगा, तू ये करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब 100% स्क्रिप्टेड नहीं होते। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं अरमान मलिक के इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।